आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। रेड सोसाइटी की ओर से सेनानी भवन में क्रांतिकारी राम अवतार दीक्षित की पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि अमर शहीद सुखदेव के वंशज अनुष्ठापन ने कहा कि सदन में अध्यादेश लाकर क्रांतिकारियों को लिखित में शहीद का दर्जा दिलाया जाए। वशिष्ठ अतिथि भारत भूषण विद्यालंकार ने बताया कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उस राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों से होती है। वही कार्यक्रम में एनसीसी के जवानों से अतिथियों को सलामी दी। कार्यक्रम में प्रेमवती उपाध्याय, सुशील शर्मा, अमोलक सिंह, धवल दीक्षित, विवेक निर्मल, दीपक स्वरूप शर्मा, इशरात उल खां, राजीव शर्मा मौजूद रहे। धवल बना दो चरित्र हमारा, चिंतन प्रखर पवित्र करो, मानव मन की जड़ता का तम दूर करो, श्रेष्ठ बने आचरण हमारा, धरा पे बरसे नित नवरस, ज्ञान सुधा का मात शारीरे, जीवन में भर दो मधुरस, रोम रोम में। इसका उद्देश्य था आज रेड सोसाइटी के द्वारा एक श्रृंखला जो चलाई जा रही है क्रांतिकारी शहीदों को सम्मानित करने की, उनके वंशजों को सम्मानित करने की, जिसमें हमने पहले शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, शहीद अशफाक उल्ला खां, इन सभी के वंशजों को बुलाकर सम्मानित किया है। उसी क्रम में आज शहीद सुखदेव सिंह के वंशज को आमंत्रित किया है। आज की तिथि की पुण्य, आज राम अवतार दीक्षित जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी वंशज को आमंत्रित करते हैं। उसी क्रम में शहीद सुखदेव सिंह जी के वंशज को यहाँ आमंत्रित किया है और इस संदेश के साथ कि राष्ट्रभक्ति की भावना नित बढ़ती जा रही है, प्रगाढ़ होती जा रही है। धन्यवाद।